Hi everyone, I hope you all are doing good. So today I will be teaching you about how you can get your videos ranked on YouTube by following few basic steps. So guys, जो पहली चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है वो है फाइल नेम। आपको चाहिए कि जब आप अपनी वीडियो को अपने लोकल कंप्यूटर में स्टोर करें या अपनी लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर करें तो उसका फाइल नेम वही रखें जो कि उस वीडियो से रिलेटेड हो, और उस फाइल में ज़रूरी आप समझें कि आपने उसका कोई ना कोई कीवर्ड रखना है। यानी कि आपने अगर वीडियो बनानी है SEO फॉर बिगिनर्स, या आपने वीडियो बनानी है वेब डिज़ाइन फॉर बिगिनर्स या वेब डिज़ाइन फॉर एडवांस लेवल डेवलपर्स, जो भी आपने वीडियो में कंटेंट रखा है आप फाइल नेम को उसी तरीके से रखें। आपको फाइल नेम के अंदर वो कीवर्ड जो आपका टारगेट है जो रैंक कर सकता है आपकी वीडियो को, आपको वो टारगेट कीवर्ड लाजमी यूज करना है। फाइल को अनटाइटल्ड या बिना किसी लेबल के कभी भी स्टोर करके वीडियो अपलोड ना करें। उससे ये हुआ कि आपकी वीडियो जो है यूट्यूब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो उसकी SEO पे इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है वो है आपकी वीडियो के टाइटल के बारे में। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उस वीडियो का जो मेन टाइटल है वो हम पिछली एग्जांपल ये कर लें SEO फॉर बिगिनर्स, तो आपने ये जो कीवर्ड है SEO फॉर बिगिनर्स, ये कीवर्ड आपने लाजमी यूज़ करना है, और इस कीवर्ड की बदौलत आपकी वीडियो अच्छी जगह रैंक हो सकती है। तो जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि आपको इस कीवर्ड को यूज़ करना है, क्योंकि यूट्यूब आपको एक लिमिटेड वर्ड यूज़ करने की इजाज़त देता है, तो आपको अपने इस कीवर्ड को बहुत मोहतात तरीके से और बहुत इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। और आप चाहें तो इस कीवर्ड को मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, बट इतनी ना करें कि वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाए। कीवर्ड स्टफिंग एक टर्म है जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक चीज़ को बार बार बोल रहे हैं जबकि उसकी पहचान है वो एक बार इस्तेमाल करने से भी उस वीडियो की हो जाएगी। तो कीवर्ड स्टफिंग ना करें, कीवर्ड को आप यूज़ करें लाजमी, मिनिमम एक बार यूज़ करें, मैक्सिमम आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं, बट उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। आप डिफरेंट टाइटल्स के बारे में सर्च करें, आप एक प्लगइन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उस प्लगइन का नाम ट्यूबबडी है, वो आपको बहुत अच्छी स्टैट्स देगा, वो आपको दूसरे रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में भी बताएगा, आपको उनके टैग्स के बारे में बताएगा, और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वो आपको स्टैट्स दिखाता रहेगा, और SEO स्कोर के बारे में भी वो आपको बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मद्देनज़र रखनी है जब आप वीडियो के टाइटल को लिखने जा रहे हैं। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन जब लिखनी है तो आप कोशिश ये करें कि जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखें तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन के पहले 200 वर्ड्स हैं आप उनमें डिफाइन कर लें कि आपकी वीडियो का कंटेंट किस बारे में। जब आप 200 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करने जाएँ तो आप दिमाग में अपने कॉन्टेंट की डिस्क्रिप्शन को इस तरह प्लान करें कि आप तीन से चार बार आप लाजमी अपने कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स को वहाँ यूज़ करें। अब वो भी आपको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, आप कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते, आप गूगल को अपनी वीडियो डी रैंक नहीं करवाना चाहते और यूट्यूब पे भी आप डी रैंक नहीं करवाना चाहते, तो आप हमेशा कीवर्ड्स को बहुत इंटेलिजेंटली अल्फाजों में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत सारी और वीडियोज़ मिल जाएंगी जो इस टॉपिक के ऊपर बनी हुई हैं, और उसमें आपको बहुत डीपली बताया जाएगा कि आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन या सिर्फ टाइटल कैसे लिखना है, वो पूरी पूरी वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। तो ये थी तीसरी चीज़ जिसके बारे में जो बेसिक आइडिया, वो ये है कि आपको YouTube जो है वो एक डिस्क्रिप्शन की लिमिट दे रहा है, आई थिंक वो 4 से 5 हज़ार कीवर्ड्स की लिमिट देता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें किस तरीके से अपना कॉन्टेंट की डिस्क्रिप्शन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप अपने सोशल्स के लिंक देते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स के लिंक देते हैं, आप अपने डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, कुछ अपने सोशल पे रीडायरेक्ट करवाते हैं, कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा के चलाते हैं, वहाँ पे अच्छा कंटेंट रखते हैं और उधर भी यूज़र को वो रीडायरेक्ट करवाते हैं। सो जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपको वीडियो टैग्स का इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली आपकी वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ कीवर्ड्स तौर पे। अब ये होते क्या है, यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन होता है जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो जब आप टाइटल लिखते हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप थोड़ी सी नीचे जाके सेटिंग चेंज करते करते जब आप नीचे जाते हैं मोर ऑप्शंस पे, आप एक जगह पे क्लिक करते हैं तो आपको टैग का एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, आपको उस वहाँ पे टैग्स लिखने हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड। अब वो टैग्स जो होते हैं उसमें भी आपको 500 वर्ड्स की लिमिट वो देता है, बट आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा उसको फिल करें, आपको बहुत मोहतात तरीके से वही टैग्स यूज़ करने से आपकी वीडियो बेस्ट रैंक हो सकती है।
उसका तरीका ये है कि आप डिफरेंट ऑनलाइन टूल्स हैं, आप वहाँ से जाके अपनी वीडियो के टाइटल के टाइटल को लिख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो योर वीडियो विल गेट अ गुड रैंकिंग ऑन यूट्यूब। सो बहुत सारे और तरीके हैं, आप वही ट्यूबबडी एक प्लगइन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा और क्वालिफाइड प्लगइन है और वो ऐसा प्लगइन है जो यूट्यूब से मंजूरशुदा है, यूट्यूब उसको अलाउ करता है कि वो यूट्यूब के साथ इंटीग्रेट करें, क्योंकि विदाउट ऐसी इजाज़त के ऑब्वियसली कोई भी प्लगइन हो या कोई भी एक्सटेंशन हो वो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इस तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकती है। वो आपको डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस के इंफॉर्मेशन है वो देता है, उसमें स्टैट शामिल होती हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें शामिल होती हैं, मिसाल के तौर पर उसमें SEO स्कोर शामिल होता है, उसमें कंपटीशन के बारे में बताता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है, वो उसके क्लिक के ऊपर कितनी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो उसकी रेशियो आपको बताता है, उसका रेट आपको बताता है और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें जो आपको बताते रहते हैं। तो ये थी चौथी चीज़ जिसमें आपको वीडियो टैग्स का इस्तेमाल करना है और आप कोशिश करें कि पहले 3 टैग आप अपनी वीडियो के बेस्ट डालें। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है कि आप दूसरी वीडियो सर्च करें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जब आपने दूसरी वीडियो सर्च कर ली और आपने उनको खोल लिया और वो ट्यूब बडी का प्लगइन जब आपने लॉगिन किया हुआ है और आपके पास वो वीडियो भी खुली हुई है, तो आपके राइट साइड पे अपनी स्क्रीन पे जब आप देख रहे होंगे तो आपकी राइट साइड पे एक पूरा पैनल आ रहा होगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वहीं पे आपको कॉपी टैग्स का ऑप्शन भी आ रहा होगा। आपके टाइटल से रिलेटेड कोई वीडियो है और वो आपने सर्च कर ली है तो इसका मतलब है कि आपकी और उसकी नीच भी ऑलमोस्ट सेम होगी। आपने उसके टैग्स को जाके कॉपी करना है और आपने उस टैग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने टैग्स में उसको कन्वर्ट करना है, अपने मखसूस तरीके से अपने टैग्स को लिखना है। और आपको पहले 3 टैग बहुत एहतियात से लिखने हैं क्योंकि वो 3 टैग होते हैं जो आपकी वीडियो को रैंक करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये थी चौथी चीज़ जिसमें हमने वीडियो टैग्स के बारे में बात किया। लेट्स मूव ऑन टू टैप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 जो है वो है वीडियो की क्वालिटी। आपको हमेशा जब आप YouTube के लिए वीडियो रखें बनाएं तो आप कोशिश करें कि आपका कैमरा इतना अच्छा हो कि वो वीडियो HD शुमार हो रही हो, यानी कि वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी हो और आप उसको जब अपलोड करें तो आप उसको वेरीफाई करें कि आपकी वीडियो किसी ऐसे फॉर्मेट में तो आपने एक्सपोर्ट नहीं कर दिया एडिटर से जो कि बहुत लो रेजोल्यूशन में था, या उसकी उसको आप HD शुमार नहीं कर सकते, वो SD है या कोई और भी फॉर्मेट है। तो कोशिश करें कि आपकी वीडियो जो है वो HD क्वालिटी की हो, हाई क्वालिटी हो, क्योंकि YouTube आपकी वीडियो जब HD होती है तो YouTube उसको बहुत अच्छे तरीके से रैंक भी करता है। आपने अगर उसकी बाकी जो मैंने ऊपर 4 आपको सेटिंग्स बताई हैं अगर आपने वो तरीके से कर ली और आपकी वीडियो भी HD है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो आपकी वीडियो के रैंक होने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। अब जो छठा स्टेप है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर काफ़ी फोकस करना है। अब ऑडियंस रिटेंशन है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ऑडियंस रिटेंशन है कि कोई भी व्यूअर जो आपकी वीडियो देख रहा है वो कितने मिनट के लिए आपकी वीडियो के साथ स्टिक है, यानी कि वो आपकी कितने मिनट की वीडियो देख रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी वीडियो 4 मिनट की है और कोई व्यूअर आपकी वीडियो सिर्फ 2 मिनट देख रहा है और यही रेशियो हर किसी का है, यानी कि आपकी 4 मिनट की वीडियो के ऊपर अगर 100 व्यूज़ आए हैं 1 घंटे के अंदर और आपकी वीडियो को हर किसी ने 2-2 मिनट देखा एवरेज, तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन 50% है, विच इज़ अ गुड रेशियो। आपकी आधी वीडियो देखना इज गुड साइन आपके लिए, क्योंकि यूट्यूब उस वीडियो को कंसिडर करता है अच्छी कैटेगरी में। बट जिधर आपकी वीडियो ऑडियंस रिटेंशन आपकी 40 से बिलो हुई वहाँ आपकी वीडियो को YouTube रैंक नहीं करेगा और दूसरे लोगों की रिकमेंडेशन में नहीं डालेगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने अपने एक चैनल के साथ किया था और मैंने उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन और टैग्स और डिफरेंट चीज़ें मैंने की उसके साथ, तो मुझे पता चला जब आप ऑडियंस रिटेंशन पे काम करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने कॉन्टेंट को यूनिक भी बनाएं। अब आपका कॉन्टेंट यूनिक कैसे होगा, आप यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब पे एक सेकेंड पे मिलियंस ऑफ आवर्स के कॉन्टेंट को अपलोड किया जा रहा है। आपको ये कैसे स्टैंड आउट करना है इतने बड़े क्राउड में, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि आप अपनी वीडियो की फिल्मिंग से लेकर आप उसकी एडिटिंग तक और उसके प्रेजेंटेशन तक और उसके डिस्क्रिप्शन और टाइटल के लिखने तक आप किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई अपने आप को कर सकते हैं। थंबनेल इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जिसको आप सबसे पहले जहन में रखेंगे, क्योंकि थंबनेल आपके क्लिक थ्रू रेट को बढ़ाता है जिसको हम CTR भी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पॉइंट नंबर हमारा 7 कहलाएगा।
तो आपको व्यूअरशिप और वॉच टाइम यानी कि ऑडियंस रिटेंशन आपको यूजर की बढ़ानी है, तो आपको उसके लिए यूनिक कंटेंट बनाना है और आपको कंटेंट में इंगेजिंग तरीके से आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। सो अगर आपकी वीडियो अबव 60% देखी जा रही है एवरेज, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड है और आपने उस पर बहुत ध्यान दिया और आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं मेंशन की हैं या आपने अपने व्यूअर का टाइम ज़ाया नहीं किया है। सातवीं चीज़ है वो बेसिकली आपका थंबनेल है। अब थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वीडियो के टाइटल से भी पहले देखी जाती है, जो कि विजुअल एक इमेजरी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके कंटेंट की। अब उसमें आपके पास डिफरेंट तरीके हैं कि आप थंबनेल को किस तरह रख सकते हैं। अपने थंबनेल को इंगेजिंग बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप उस तरीके से अपने थंबनेल्स को बना सकते हैं। एजुकेशन वीडियोज़ के थंबनेल अलग होते हैं और पॉलिटिक्स के जो वीडियोस होती हैं उसके थंबनेल अलग होते हैं, तो आप ये कैटेगरीज ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। वो आपके पास एक ओपन रिसर्च एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट थंबनेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि वैसे तो पहले नंबर पर होना चाहिए थे, बट मैंने इसकी सीक्वेंस ऐसे रखी है कि मेरे हिसाब से अगर आप वो बाकी चीज़ें करेंगे तो थंबनेल अगर अच्छी ना आती तो आपका रैंक कम अज़ कम हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम अच्छे रैंक की बात कर रहे हैं, तो मैंने थंबनेल को थोड़ा एंड में रखा है। तो सातवीं चीज़ है कि आप अपने थंबनेल को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। एक लो रेजोल्यूशन की इमेज होती है, बट आप कोशिश करें कि उसमें कंटेंट ज़्यादा क्राउडेड ना हो, आप उसमें इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो आपका कैप्शन में कहीं ना कहीं थंबनेल के अंदर दिख जाए। सो ये था स्टेप नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 जो आपका है वो है क्लोज्ड कैप्शनिंग का, यानी कि CC, जिसको हम सबटाइटल्स भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक आपका एजुकेशन का चैनल है और आप उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और आपका वो चैनल डिफरेंट मुल्कों के लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि वो चैनल ऐसा है कि उसमें एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन पूरी ग्लोबली देखा जाता है, तो आपको करना क्या है, अपने वीडियो को ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आपने उसमें कैप्शनिंग करनी है। अब आप जब सबटाइटल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपकी क्लोज्ड कैप्शनिंग कहलाती है CC के नाम से, तो होगा क्या कि जो आपके नॉन नेटिव व्यूअर्स हैं, जो आपकी ज़बान नहीं जानते, उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ की है जैसे कि इंग्लिश, और आपने अपनी हिंदी या उर्दू लैंग्वेज की या अरेबिक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कैप्शन में मेंशन कर दिया, जैसे कि इस वीडियो में आपको नीचे कैप्शन यहाँ नज़र आ रहा होगा। मैंने इस वीडियो में कैप्शन डाला ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितना आसान हो जाता है आप वीडियो को अगर आप चाहते हैं, आप ऐसी जगह पे हैं जो कि साउंड सेंसिटिव इन्वायरमेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए या ऑफिसेज हो गए, तो आप वहाँ पे भी जब वीडियोस देखें तो आप कम से कम वीडियो को म्यूट करके आप कैप्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे कि वो वीडियो में क्या बात हो रही है। सो ये बहुत अच्छा तरीका है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कैप्शनिंग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लॉगिन पॉल को देख लें, आप उसके ब्लॉग को देखें तो उसमें वो वक्तन फवक्तन कैप्शन का इस्तेमाल करता है। कैसी नाइस्टेड भी अपनी कुछ कुछ वीडियोस में कैप्शन का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसको लगता है कि शायद वो वीडियो जो है कैप्शन के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे की जाएगी और डिफरेंट ममालिक के लोग उसको देखेंगे, क्योंकि ये बड़े ब्लॉगर्स हैं और ये ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनको पूरी दुनिया से देखा जाता है, तो ये अपने कैप्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये थी बेसिक 8 स्टेप्स, जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी वीडियो के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपकी वीडियो अच्छे नंबर पे रैंक होगी। मैं ये बातें इसलिए कहने के लिए क्वालिफाइड हूँ क्योंकि मैंने अपने दूसरे एक चैनल है जिसमें मैंने ये रिसर्च की है, और मैंने उसको डिफरेंट तरीके से रैंक करवाया है, और मैंने वहाँ पे जो रिस्पॉन्स लिया वो मैं आपसे यहाँ स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एक वैलिडेशन हो जाए कि हाँ ये चीज़ें वाकई में जो ये बंदा बोल रहा है ये टेस्टेड है और ये वेरीफाइड है। मैंने खुद उसका एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने डिफरेंट तरीके से थंबनेल्स बना के टेस्ट किया है, और मैंने डिफरेंट तरीके से कैप्शंस लिखे हैं उसमें, मैंने डिफरेंट तरीके से उसके टाइटल्स को लिखा है, मैंने डिफरेंट तरीके से उसके डिस्क्रिप्शन को लिखा है, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को एक मखसूस स्टाइल में लिखें और आप उसके ऊपर टाइम दें जिस तरीके से आप वीडियो बनाने में टाइम दे रहे हैं, तो आपकी वीडियो के चांसेस हैं कि वो अच्छे नंबर पे रैंक हो जाएगी, और यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर फ्रॉम योर व्यूअरशिप, और आप उससे बहुत सारे व्यूज़ के साथ आप बहुत सारे नंबर ऑफ वॉच आवर्स भी आप गेन कर लेंगे कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करके। ऑब्वियसली कंटेंट के अंदर कोई ना कोई जान होनी चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो यूज़र है वो आपके चैनल पे आए और रुके और वीडियो देखे और उसके साथ इंगेज करे और उस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम मज़ीद और बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें
जो यहाँ पे शेयर की जा सकती हैं, बट फॉर द टाइमिंग आप अगर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह आपकी वीडियो रैंक होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। के साथ मुझे इजाजत दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर योर कॉमेंट्स, थैंक यू फॉर योर मैसेजेस ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आपसे कॉन्टेंट शेयर करता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे भी इसी तरह वीडियो देखते रहें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और से शेयर की जा सकती है जिसको इससे फ़ायदा होगा, तो आप उससे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Once again, take care, stay safe, stay healthy, peace.